हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड नॉकर। आज हम स्पीड मैथ के कुछ सम्स देखेंगे कि कैसे जल्दी सॉल्व करने हैं। जैसे कि आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के जो सम्स IBPS PO बैंक एग्जाम्स SSC सिग्जल्स वगैरह में आते हैं, वो जल्दी से सॉल्व कर पाए। ओके, तो देखिए, ये मैंने एक सम यहाँ पे लिखा है 12 × 14। तो इसका रूल क्या है, ये जो भी आपके 2 डिजिट आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो एक ही बेस वाले होने चाहिए। जो कि 10 से 10 to 20 वाले है तो दोनों 10 to 20 वाले नंबर होने चाहिए। 20 to 30 ले रहे हो या फिर 30 आ रहा है एग्जाम में तो 20 to 30 वाले नंबर होने चाहिए। सिमिलरली 30-40 आगे के लिए। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो करना क्या है, दो जो भी नंबर है, सपोज मैं 14 ले रहा हूँ, जो नेक्स्ट नंबर है उसका जो लास्ट डिजिट है उसमें ऐड कर दीजिए, तो 14 + 2 = 16 हो जाएगा। उसको लिखना है यहाँ पे, और जो एंड डिजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो लिखते समय हमें पहला जो एंड डिजिट है उसका मल्टीप्लीकेशन करके दिखिए, नेक्स्ट में जो एक नंबर है उसके बाजू वाले नंबर का लास्ट डिजिट ऐड करिए। तो इसको आंसर कैसे आएगा, 4 × 2 = 8 आएगा, और ये जो 14 है उसमें मैं ये नेक्स्ट नंबर का लास्ट डिजिट ऐड करूँगा, मतलब 14 + 2 = 16। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, जिनको नहीं समझा उनके लिए मैं और एक सम लेता हूँ, लाइक 18 × 13। तो अभी देखिए, एक ही बेस वाला सम है, 10 बेस वाला, और ये 10 to 20 के बीच में आता है। इसको सॉल्व कैसे करना है, 8 × 3 = 24। तो लिखते समय खाली एक ही डिजिट लिखना है, 2 को हम होल्ड पे रखेंगे। ये जो 18 है या फिर आप 13 लीजिए, उसमें से बाजू वाले नंबर का लास्ट डिजिट ऐड करना है। सपोज मैं 18 ले रहा हूँ, 18 में 3 ऐड कर दूंगा, 21, और ये जो 2 होल्ड पे रखा था 23। तो आंसर हो जाएगा 234। ओके, तो ये 10 वाले बेस वाले हो गए सम्स। तो 20 वाला लेता हूँ, जैसे कि 23 × 24। तो अभी देखिए इसमें करना क्या है, इसमें वही सेम वही करना है, लास्ट 2 डिजिट का लास्ट डिजिट वाले इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और दोनों में से एक नंबर लेना है, उसका लास्ट डिजिट इसमें ऐड करना है। तो मैं 24 लेता हूँ, उसमें 3 ऐड कर दूंगा तो 27 हो जाएगा। और इसमें एक ही क्या होता है, अगर 20 बेस वाला आ गया तो ये 2 है ना, तो उसको डबल करना है। 30 आता तो यहाँ पे ट्रिपल करते, 40 वाले सीरीज बेस वाले होते तो 4 times करते। तो ये 20 बेस वाला है तो इसको डबल करना है। तो इसका आंसर कैसे आएगा, 4 × 3 = 12, 1 होल्ड पे जाएगा, और ये 24 लेता हूँ, इसका लास्ट डिजिट 3, तो इसमें 24 में 3 ऐड हो जाएगा, 27। तो ये 20 बेस वाला है तो 27 का डबल करेंगे तो ये होगा 54, और ये 1 होल्ड पे रखा था वो है 55। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 30-40 सम वालों को भी वही करना है, लेकिन कुछ बच्चों को एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी डबल 4 times, 5 times, 6 times करने में। तो ये मेथड खाली 20 तक ही फॉलो करो, जिसमें आपको डबल करना इजी हो जाएगा। तो इसके जो नेक्स्ट वाले नंबर आ जाएंगे जिसका वो मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके लिए एक और एक मेथड है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज के नंबर है 42 × 55। ये सॉल्व करने से पहले एक बात बताता हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वो नंबर सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये नंबर 10 भी सीरीज 10 के बेस और 20 के बेस के लिए था, ये इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, इसको आप आसानी से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो करना कैसे है इसको, तो इसको पहले जो एंड डिजिट है उनका मल्टीप्लीकेशन करना है, उसका एक डिजिट यहाँ पे लिखना है, दूसरा डिजिट 2 डिजिट आंसर आता है तो उसको एक होल्ड पे रखना है। नेक्स्ट में ये दोनों और ये दोनों इनका मल्टीप्लीकेशन करके ऐड करके जो नंबर आएगा वो लिखना है। अगर 2 डिजिट आता है तो खाली एक डिजिट लिख के दूसरा नंबर होल्ड पे रखना है, और एंड में ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले क्या बोला था, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट में ये दोनों एक बार मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों उसका एडिशन करना है, 5 × 2 = 10, 10 और 20 = 30, और ये 1 था तो यहाँ पे 31 हो जाएगा, अभी 3 जाएगा उल्ट पे। और लास्ट में ये 2 डिजिट मल्टीप्लाई करने हैं, तो 5 × 4 = 20, 20 और 3 = 23। तो ये हो गया इसका आंसर, समझ गए। सेम करना वही है, पहले लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये दो डिजिट मल्टीप्लाई ऐड करना है, और एंड में ये। और एक सम लेते हैं जिससे एक आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 73 × 24। तो ये देखिए,
पहले क्या करना है इसको, तो 4 3 12 टू एक होल पे चला गया। नेक्स्ट में ये और ये मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 और ये 7 4 28, 28 + 6 कितना होता है 34 और एक 35, 5 तीन ऊपर चला गया। और नेक्स्ट में ये दोनों को 7 2 14, 14 + 3 17, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये मेथड जो मैंने आपको बताया, इससे कोई भी 2 डिजिट वाला नंबर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से और जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये मेथड आप 20 के जो बाद वाले नंबर है उनको यूज़ कीजिए और ये वाला मेथड 20 के पहले वालों को। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके, थैंक यू।